नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ इंग्लैंड की एक शॉप में जो कि B&Q है, जो आप मेरे पीछे देख रहे होगे B&Q। और इस स्टोर के अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ मिलता है, गार्डनिंग के सामान से लेके टूल्स और किचन, घर का सारा सामान जो कि एक घर बनाने के लिए काम आता है यहाँ की, दरवाजे, लकड़ी, खिड़कियाँ। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या कुछ है। सो हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं, जो कि एक गार्डन है, गार्डन सेंटर है। तो आपको दिखाता हूँ कि गार्डन सेंटर में, अब इंडिया में कहीं पर भी चले जाएँ तो आपको किसी भी दुकान से कोई भी चीज़ मिल जाती है। तो फिलहाल बीज रखे हुए हैं यहाँ पर, छोटे छोटे गमले हैं, यहाँ पर जो कि घास, इवन आप घास लगा सकते हैं यहाँ पर, वीड किल, जितना भी गार्डन का सामान है, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो आपको सब मिल जाते हैं। और इस तरफ फिर से गमले हैं। मुझे एक बात अच्छी लगी यहाँ पर, जो चिड़ियों को दाना देने के लिए, तो आप यहाँ पर इनको दाना दे सकते हैं और चिड़ियाँ आके खाती हैं। इनको सीड फीडर बोलते हैं। तो आप जैसे हमारे यहाँ तो गेहूं के दाने वैसे ही मिल जाते हैं, कहीं से भी आप बाज़ार से ले लो तो यहाँ पर आपको पैक मिलते हैं। और आप चिड़ियों को, जिसको भी आपको खिलाना है, घर में कोई बर्ड रखी है या कोई जानवर रखा हुआ है, तो आप उसको दे सकते हैं। सेम टू सेम जितना भी घास फूस है उसके लिए, और कीड़े मकोड़ों के लिए बग किलर, तो आपको एक ही शॉप के अंदर ये सारा सामान मिल जाता है, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इंग्लैंड में ऐसी कोई छोटी छोटी दुकानें नहीं हैं कि जहाँ पर आपको जाके कुछ फर्टिलाइजर्स के लिए और कुछ केमिकल्स के लिए आपको दुकान में लाइन में लगना पड़े। एक ही बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ स्टोर है और उसी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आप गार्डनिंग के टूल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, होज पाइप हैं। ऐसा नहीं है इंडिया में, जैसे हम लोग, यार 5 मीटर पाइप दे दो, 10 मीटर पाइप दे दो, यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी के ब्रांडेड पाइप्स हैं और बने बनाए आते हैं। और ये आपको स्टोरेज के साथ में बहुत सिंपल है, आप यहाँ से कनेक्ट करें, यहाँ से कनेक्ट करें और सीधा आप, जैसे ये आउटलेट है तो आपको सीधा टैप में लगाने के बाद आप ये पाइप सीधी आगे लगा सकते हैं और आप इसको रोल अप कर सकते हैं। और सामने आपको लेकर चलता हूँ गार्डन, तो आप यहाँ पर कोई भी फूल खरीद सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे। और आपको मज़ेदार बात यह है कि वुडन जो प्लैंक्स हैं, जो लकड़ी के, ये गार्डन में काम आते हैं। तो पूरी उनकी बाउंड्रीज बना के, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये सामने बाउंड्री बनी पड़ी है और इन्होंने यहाँ पर बीच में अपने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। तो उस तरफ से बड़ा गमला और इस तरफ छोटे से छोटा, और ये पूरा एक सेटअप किया हुआ है। आप यहाँ पर आके कुछ भी खरीद सकते हैं, श्रब्स हैं, पेरनल्स हैं, छोटे छोटे जो घास फूस होते हैं। इस तरफ कुछ ऐसे होते हैं कि जो फूल नहीं देते बट पत्ते ही अच्छे लगते हैं, प्लांट्स भी हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जामुन का पेड़ है, बट देखने में लग रहा है बट नहीं, कुछ और ही है। इतनी वैरायटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद आप गार्डन में छोटा सा, अगर आपको टूल बॉक्स के जैसे कोई छोटा सा घर बनाना है, तो
तो आप ऐसा रख सकते हैं अपना सारा टूल्स। तो सेम इसी तरह ये शेड है गार्डन में बनाने के लिए, और आपको खुद पर्सनल बनानी है तो पर्सनल कुछ भी शेड बना सकते हैं। और मिट्टी, और आपको मैन्योर, जो कि मैन्योर मिट्टी और थोड़ा सा घास फूस और घास लगाओ जो टॉप सॉइल होती है, वो भी पैकेट्स में आपको मिल जाता है। तो एज सच ये नहीं है कि भैया खेत से मिट्टी लेके आओ और फिर गार्डन में लगाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अपना हिसाब से जितना भी आपको गार्डन में मिट्टी डालनी है, खाद डालना है और घास लगाना है या कुछ भी क्या बोलते हैं इवन पत्थर, तो इंडिया में तो पत्थर ऐसे ही मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये भी कभी कभी लगता है कि, और ये एक पूरा पैकेट ऑलमोस्ट 1000 रुपये का है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने महंगे बिक रहे हैं। और फेंसिंग यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, बड़ी अच्छी फेंसिंग, पनी बनाई फेंसिंग आती है, आपको कहीं जाके बनवाने की ज़रूरत नहीं है। टूल्स जो आते हैं ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, और आप इसमें लकड़ी फिट करें और ये आपकी शेड्स हैं, तो साइड की रेलिंग जो हम लोग बोलते हैं। तो ये नज़ारा सिर्फ गार्डन का इतना खूबसूरत है कि आपको कुछ भी चीज़ अगर ख़रीदनी है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस B&Q स्टोर में आएं और अपना गार्डन का सारा सामान ले सकते हैं। आप इमेजिन करें कितना बड़ा है ये। सो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, वैरायटी इतनी है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। सो आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। घास इन्होंने बना के रखी है, सिर्फ आपको ख़रीदनी है और अपने गार्डन में लगानी है, घास बनी बनाई है। और ये छोटे से डेकोरेशन पीसेस, इस तरह फूल, ये गार्बेज के लिए बाल्टियाँ जो बड़ी बड़ी, आप इसमें कुछ भी जो सामान होता है जैसे घास फूस आपने काट लिया सूख गया तो इसमें डाल सकते हैं आप। पानी की टंकी, 20 लीटर पानी की टंकी। फूलों की तो वैरायटी बहुत है, सीजनल होते हैं। बांस, बांस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो वापस शुरू करते हैं। तो एक कोना हमने देखा कि जो कि गार्डन का है, और यहाँ पर फिर से वही डेकोरेशन का सारा सामान, ग्लव्स हैं, शूज़ हैं, सब प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में आपको ये सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है।